हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएम एसएससी स्कॉलरशिप योजना 2022 जिसकी परीक्षा 11 सितंबर 2022 को है। उसमें जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनसे एनसीईआरटी का ही कोर्स पूछा जाएगा और जिसमें पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्या, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने यहाँ पर 35 प्रश्न लिए हैं। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के ये प्रश्न। पहला प्रश्न है परिमेय संख्याएं -8/19 तथा 4/57 का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माइनस यहाँ से लिख लेंगे, माइनस ये 8/19 और प्लस और ये -4/57। अब हम दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 57 आएगा और 19 तिहाई 57 तो 8 तिहाई 24, ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ ये माइनस और प्लस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। 57 ही रहेगा तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -28/57 अर्थात यहाँ से 28/57 जो कि हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा जा रहा है परिमेय संख्या 3/8 में क्या जोड़े कि परिणाम -1/24 हो जाए। तो बहुत आसान है, इसे आप कैसे करेंगे, 3/8 में क्या जोड़े, मान लेते हैं x जोड़े और कितना हो जाए -1/24। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/24 और 3/8 को इधर लाएंगे, ये भी माइनस का 3/8 हो जाएगा। जब हम दोनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 होगा और 8 तिहाई 24 और 3 तिहाई 9, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे आ जाएगा -10/24। अब 10/24 देखिए ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो इसे हम देखिए सरल कर देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी -5/12। तो -5/12 यहाँ से ऑप्शन ए आपको बिल्कुल दिख रहा होगा जो कि कर लेंगे। अगला प्रश्न अगर बात करें हम में से तीसरे प्रश्न की, तीसरे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो जो -12 और 11/-24, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जिस संख्या में माइनस चाहे अंश में लगा हो या हर में लगा हो वो संख्या निगेटिव ही होती है और अगर दोनों में निगेटिव लगा तो वो संख्या पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए छोटे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये तो चूंकि पॉजिटिव है ये तो हो ही नहीं सकती और ये -7/12 ये भी दोनों ये भी पॉजिटिव है तो दो संख्या हमारे पास बचती हैं -5/6 और 11/24। अब ये दो संख्याएँ ऐसी हैं जो इनमें कौन सी छोटी है उसका हमें चुनाव करना होगा। संख्याओं में अगर कोई संख्या छोटी आपको चुनना है और उसके साथ माइनस लगा है तो जो संख्या संख्या में बड़ी होती है संख्या तो मान जिसका बड़ा हो वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो हम -5/6 को पहले लेते हैं तो हम पहले 6 से 5 को भाग कर देंगे तो चलिए डेसिमल लगाएंगे और 6 × 8 = 48 लगा देंगे, 2 बचेगा 0 बना लेंगे और 6 × 3 = 18 बनेगा, फिर ये 2 बचेगा, फिर 6 × 3 = 18 यानी 0.833 आएगा। और अगर हम 11 को 24 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट भी लगाएंगे तो हम इसमें जब भी भाग करेंगे 24 × 1 = 48, 24 × 3 = 72, 24 × 6 = 96, 24 × 4 यानी यहाँ पर −4 यानी ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या होगी वो -5/6 होगी। अब है निम्न में कौन सी सबसे बड़ी परिमेय संख्या, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बड़ी और छोटी कैसे निकालते हैं, फिलहाल मैं आपको बताए भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी संख्याएँ आपकी माइनस में हैं तो इसमें ए वाली जो है संख्या ये सबसे बड़ी होगी। आप डिवाइड करके देखिएगा तो ये संख्या सबसे छोटी आएगी संख्यात्मक मान में, इसलिए ये संख्या जो सॉरी -7/18 ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हल करो, यानी यहाँ पर आपको 3/8 प्लस
माइनस 4/5 प्लस 7/15 प्लस माइनस 11/20 को हल करना है। हल करने के लिए हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अंश या हर में जो भी माइनस लगाओ, आप अंश या हर में कहीं पर भी माइनस लगा सकते हैं सुविधाजनक। आप सबसे बढ़िया अगर इसका ऊपर यानी अंश में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत सरल होगा और सुगम भी रहेगा। तो देखिए मैं ऊपर ही लगाने की कोशिश करूँगा। अगर 3, 5, 15, 20 का अगर एलसीएम आप लेंगे तो ये 60 आएगा, ठीक है, आप निकाल लेना। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, 3 × 6 यानी 20 आएगा, तो 20 × 40 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 से आप भाग करोगे तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 आएगा, तो 12 × 4 = 48 हो गया माइनस का। प्लस आप लगाएंगे 15 × 60 करेंगे तो 4 × 7 = 28 कर देंगे। 20 × 3 = 60 आएगा, तो 11 × 3 = 33 आप कर लेंगे। अब आपके पास 40 होना चाहिए था, 3 × 20 = 40, ठीक है, 40 और आपके साथ जोड़ने के लिए 40 और 28, ये देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएंगे 68। अब ये 48 और 33 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 81 − 60। अब 81 में से आप 68 घटा देंगे तो ये माइनस के बच जाएगा 13/60। तो −13/60 ऑप्शन देखिए बी आपको यहाँ से मिल रहा है। चलिए परिमेय संख्या −3/4 में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना मिल जाए, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, मैं आपको लिख के छोड़े दे रहा हूँ। −3/4 में क्या घटाएं, मान लेते हैं x और बराबर ये 5/6, इसको आप हल करिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आप हमें लिख कर भेजिए, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम भी जान सकें कि आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप में, मानक रूप में क्या होता है, कोई भी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर में जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, अर्थात वो संख्या किसी से विभक्त होनी नहीं चाहिए। अब अगर हम सातवें का पहला प्रश्न ही देखते हैं तो 7, 9 और 28 किसी की दोनों संख्याओं में नहीं कटती है, तो इसका मतलब यही मानक होगा। अगर मैं 26/68 ये देखिए 2 से कट रही है, 48 और 96 देखिए ये भी 2 से कट रही है, दोनों संख्याएं 4 से भी कट रही हैं, ये देखिए 4 से और 2 से दोनों कट रही हैं, इसका मतलब ये कोई भी संख्या मानक रूप में नहीं है। जबकि −9/28 किसी भी संख्या से कटती नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, जो आपसे पूछा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल 7 है, यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या हमारे पास 15/19, दूसरी मान लेते हैं x = −7, तो यहाँ से डायरेक्ट x लगा देंगे, −7 −−+ और ये 15/19। आप जैसे ही इसको हल करेंगे और आपके सामने आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर अगर आप इन दोनों को एलसीएम लेके 19 हल करेंगे तो आपके सामने एक बहुत अच्छा, आप खुद देख रहे होंगे कि 19 से कोई भी ऐसा यहाँ कटने वाला भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला यहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जोड़ों की दो संख्याएं परिमेय संख्याएं बराबर हैं, कोई भी दो संख्याएं अगर बराबर होती, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे 2/4 और 3/6 दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्योंकि ये भी देखिए आधी है और ये भी आधी है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 × 12 = 4 × 12, तो ये बराबर हैं, ठीक इसी प्रकार से आप इनमें कर लेंगे और आप पता कर लेंगे कौन सी संख्याएं बराबर हैं। चलिए मैं पहली ले लेता हूं, जैसे 24/40 = 35/50, अगर ये संख्याएं दोनों बराबर हैं तो अगर मैं दोनों को गुणा करता हूं तो सेम आना चाहिए, तो देखिए 24 × 50 = 35 × 40 होना चाहिए। 5 से करेंगे 0, 5 × 20 = 2 लगेगा, 5 ×
दस और दुई बारह यानी 1200 बराबर आना चाहिए। चार जीरो चार पंजे बीस, बीस और चार तिहाई बारह दुई चौदह जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब पहला ये जो जोड़ा दिया गया ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर की बात कर रहा है। तो हम चलिए दूसरी संख्या ले लेते हैं, माइनस 25 बटे 35 बराबर माइनस, इसमें भी लगा लेंगे 55 बटे 77। तो माइनस माइनस दोनों की तरफ प्लस कर देंगे। अब कंसिलेशन ला से 5 से काटेंगे हम, ऊपर को काट देते हैं। चलिए 25 5 सते 35, इधर आप देखें 7 इक्कम 7, 7 इक्कम 7, ऐसे ऐसे भी कटती हैं, 5 इक्कम 5 और ये 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, यानी ये हो गया 1 बटे 1 बराबर 11 बटे 11, अर्थात 11 इक्कम 11 बराबर 11, यानी जो दूसरा जोड़ा दिया गया ये आपस में बिल्कुल बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न देखिए बहुत आसान है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, केवल ट्रिक के सहारे भी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या यहाँ पर ही आपकी माइनस है, दूसरी संख्या भी माइनस है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, जबकि ये ऑप्शन में निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो हमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर डी होगा। अब पूछ रहा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता अंश का हर, हर का अंश कर देना, और साइन जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर कोई दो का व्युत्क्रम पूछे तो 2 1/2 हो जाएगा, अगर कोई 3/8 का पूछे तो ये 8/3 हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक संख्या व्युत्क्रम है, कोई ऋणात्मक संख्या है, तो संख्या ऋणात्मक ही होगी, चूँकि परिमेय तो वो भी परिमेय ही होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। तीसरा 12वां प्रश्न भी बिल्कुल उसी चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास था ये माइनस 16 बटे 21 इंटू 3 बटे 4 कर देंगे माइनस, दोनों माइनस माइनस तो दोनों प्लस आ जाएंगे, तो प्लस सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब 5/12 भाग कुछ बराबर माइनस 35/18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, ठीक है, इक्वल टू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5/12 लिखा रहने देंगे और भाग की जगह जब इंटू करते हैं तो उसका व्युत्क्रम रख देते हैं, यानी रिसिप्रोकल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू माइनस 35/18। अब आपको पता होना चाहिए अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इंटू में होते हैं, तो हम अंश को अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं। तो 5 इक्कम 5 काट देंगे, 5 सते 35 काट देंगे, 6 से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 काट देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2x इक्वल टू माइनस 7/3। अगर हम इनकी तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हमारा देखिए क्या बनता है, ये बनता है 7 दूनी 14 यानी -14x बराबर 3, तो x बराबर बन जाएगा -3/14, -3/14, अर्थात ये हमारा क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन को बिल्कुल सही करता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 14 की, काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -20/9 है, यदि एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं हमारी जो है पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, और उसका मल्टीप्लिकेशन -20/9 है। अब आप इसके नीचे एक मान लेंगे, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों ये पक्ष बराबर होते हैं तो हम अंश और हर को, अंश को अंश से और हर को हर से डिवाइड होता, तो हम काट सकते हैं, 4 इक्कम 4 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा x बराबर -5/9, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी होगी 5/9, अर्थात को यहाँ से ऑप्शन जो है ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, परिमेय संख्या 2/6 4/8 तथा 5/10 का योगफल क्या होगा, यानी आप इन तीनों संख्याओं का योग करिएगा और मुझे आंसर कमेंट करके
जरूर बताइएगा, काफ़ी सरल प्रश्न है। इसके बाद भी काफ़ी सरल प्रश्न है, ये मैं जरूर आपको बता दूंगा कि परिमेय संख्या 4/6 तथा 2/6 का गुणनफल क्या होगा। तो 4/6 लिखेंगे इंटू हम 2/4 करेंगे, 4 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 अर्थात 1/3। बहुत आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी एडिशन से ही है। सैम ने पहले हफ्ते में 2 × 7/5 किलोग्राम आटा खरीदा और दूसरे सप्ताह 3 × 4/15 किलोग्राम आटा खरीदा, तो सैम ने कुल कितना आटा खरीदा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप सिंपल भिन्न में बदल के करते हैं, बहुत टाइम लगता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हफ्ते उसने 2/7/5 और अगले हफ्ते उसने 3/4/15 किलोग्राम खरीदा। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले जो पूर्णांक है उन्हें हम जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 यानी 2+3 5 और प्लस जो हमारे पास भिन्न बचता है 7/5 और प्लस 4/15 हम एक जगह लिख लेते हैं। तो 3 2 हो गया हमारा 5 प्लस, अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से 7/5 और प्लस 4/15। ठीक है, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस इधर ही हो जाएगा 15, 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21 और 4 इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 + 25/15, 5 × 15 और 5 × 25 तो ये हो जाएगा 5/3। अब हम इसको अगर भाग करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर लिखे दे रहा हूँ। देखिए 5 + 3 = 3 यानी 1 सही बचेगा 2, 2/3 तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 1 = 6, 6 सही 2/3। इससे आप बहुत आसानी से 6 सही 2/3, देखिए ऑप्शन आपका सी वाला नज़र आ रहा होगा तो सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न ये गलत है, इसे आप लोग मत ट्राई करिएगा क्योंकि इसका आंसर आप यहाँ पे नहीं मिला पाएंगे। अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो अगला प्रश्न हमारे पास है, एना ने 12 सही 3/6, मैरी ने 14 सही 2/8 और करीना ने 11 सही 8/12 किलोग्राम आटा खरीदा, तो सबसे ज़्यादा आटा किसने। तो आप पूर्णांकों में देख लो, अगर आप पहले ने एना ने 12 किलो है और मैरी ने 14 किलो है और ये 11 किलो है, तो सबसे अधिक चूंकि 14 है तो 14 किसका, मैरी का हिस्सा है, तो इसका मतलब मैरी ने सबसे अधिक आटा खरीदा। और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम अगर आटा किसी ने खरीदा है तो वो करीना ने खरीदा है। अगला प्रश्न है, -5/8 में क्या जोड़ने के परिणाम 1 हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगले उसमें आपको मिलेगा लेकिन मैं आपको यहीं पर इसका आंसर बता देता हूँ। -5/4 में क्या जोड़े, मान लो x जोड़े और जोड़ने पर मुझे -1 मिलता है, तो ये x बराबर हो जाएगा -1 और +5/4। इसको ज़रा हल कर लीजिए, लघुत्तम 4 आएगा तो 4 × 4 + 5 यानी ये आ जाएगा -1/4, प्लस का आएगा 5/4। इसका मतलब हम -5/4 में प्लस अगर 1/4 जोड़ देंगे तो परिणाम 1 प्राप्त होगा। क्योंकि भी ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर 20 प्रश्न रखते हैं और इसके बाद जो आपके बचे 15 प्रश्न उन्हें मैं अगले वीडियो में लेकर के आता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप वीडियो पे हमारे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं।